हेलो वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रीपोजिशन इन और इनटू। इन और इनटू ये दोनों ही एज अ प्रीपोजिशन की तरह जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है, इसी बात को आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन जो इन होता है उसका यूज हम कब करते हैं। प्रीपोजिशन जो इन है ये एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को शो करता है। मतलब जब हम किसी जगह की बात करते हैं, किसी समय की बात करते हैं तो वहां पर हम इन का यूज एज अ प्रीपोजिशन करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज अ नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब और प्रीपोजिशन। इन वर्ड का यूज हम नाउन की तरह भी करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं, एडवर्ब की तरह भी करते हैं और प्रीपोजिशन की तरह भी करते हैं। आज हम इनका यूज एज अ प्रीपोजिशन कैसे किया जाता है उसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। नो चेंज इन लोकेशन और मीडियम। जब हम किसी लोकेशन, किसी जगह या किसी मीडियम में चेंज की बात नहीं करते हैं तो वहां पर हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। या प्रीपोजिशन इन का यूज हम तब भी करते हैं जब हम किसी लोकेशन में किसी चेंज की बात नहीं करते हैं, किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाने की बात नहीं करते हैं। वेन समथिंग इज इन रेस्टिंग पोजिशन। जब कोई पर्सन या कोई चीज एक रेस्टिंग पोजिशन में होती है, किसी एक जगह पर होती है, या जब हम किसी एक टाइम की बात करते हैं प्रीपोजिशन इनका यूज होता है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सेंटेंस में इन एज अ प्रीपोजिशन आया है? प्रीपोजिशन अगर किसी भी सेंटेंस में इन एज अ प्रीपोजिशन जब किसी सेंटेंस में आएगा तो अपने साथ हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट को लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वेंट टू द यूके फॉर स्टडीज इन 2016। तो यहाँ पर इन का यूज टाइम के सेंस में हुआ है, इसने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को बताया है। इन ने She went to UK for studies in 2016. मतलब कि वो UK गई थी studies के लिए। कब गई थी? Time क्या था? In 2016 में गई थी। The sun sets in the west. तो यहाँ पर sun की बात हो रही है कि वो हमेशा ही set होता है west में। तो किसी भी तरह के location में कोई change नहीं हुआ है, medium में कोई change नहीं हुआ है, एक universal truth की बात हो रही है। The pen was in his pocket. हमने डिस्कस करा कि when something is in resting position, जब कोई भी चीज या कोई पर्सन किसी resting position में होता है, किसी एक ही अवस्था में होता है, वहां पर preposition in का यूज होता है। तो जो पेन है वो उसकी पॉकेट में था, एक resting position में था। We are living in the digital world. यहाँ पर भी एक बात बताई जा रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है किसी जगह में, किसी पर्सन में चेंज नहीं हो रहा है, मीडियम में चेंज नहीं हो रहा है, हम रहते हैं एक डिजिटल वर्ल्ड में। प्लेस की बात बताई जा रही है, इनका यूज एज अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की तरह हुआ है। लास्ट एग्जांपल है, रोहन इज वेटिंग फॉर यू इन द पार्क। यहाँ पर इनका यूज प्लेस के सेंस में हो रहा है जब हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करते हैं। रोहन वेट कर रहा है, जिस जगह पे वो वेट कर रहा है वो है पार्क। तो एक लोकेशन के बारे में हमने बताया है तब हमने प्रीपोजिशन इन का यूज करा है। इसके अपोजिट में हम प्रीपोजिशन इन टू का यूज करते हैं जब हमें बताना होता है चेंज इन लोकेशन और मीडियम। जब किसी एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन में जाने की बात होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की बात होती है, वहां पर प्रीपोजिशन इन टू का यूज होता है। इट इज ओनली यूज एज अ प्रीपोजिशन। जैसे कि हमने देखा था कि इन का यूज हमने एज अ नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब और प्रीपोजिशन की तरह करा था, इसके अपोजिट में हम इन टू का यूज सिर्फ एज अ प्रीपोजिशन करते हैं किसी भी सेंटेंस में। एग्जाम्पल है, ही जंप्ड इन टू द रिवर। तो यहाँ पर भी उस पर्सन की बात हो रही है, वो पहले तो रेस्टिंग पोजिशन पे था बट मूवमेंट की बात हो रही है। ही जंप इन टू द रिवर मतलब कि वो पर्सन पहले खड़ा होगा, मूवमेंट हुआ और वो रिवर में उसने जंप करा। तो जब मूवमेंट की बात हो रही है हमने उसको प्रीपोजिशन इन टू से शो करा है। सेकेंड एग्जाम्पल है, कट द केक इन टू पीसेस। यहाँ पर भी किसी होल के पार्ट में कटने की बात हो रही है। एक केक एक होल है, उसको जब हमने पीसेस में काटा है तो जिस प्रीपोजिशन का यूज किया है वो इन टू है। पहले वो एक होल में था, इसके बाद वो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में जब उसके कन्वर्जन की बात हुई तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन टू का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बुक इज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट यूनिट। तो बुक है उसमें बहुत सारे यूनिट एक साथ ना होके वो डिवाइडेड है, कई सारे पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। तो जब हम कई होल के कई सारे पार्ट्स की बात करते हैं प्रीपोजिशन इन टू का यूज होता है। लास्ट एग्जांपल है, आई ट्रांसलेटेड द स्टोरी इन टू इंग्लिश। पहले जो स्टोरी थी वो
वो शायद हिंदी में थी, उसको ट्रांसलेट करा गया है इनटू इंग्लिश। तो एक तरह से उस स्टोरी का पहले एक मीडियम था, उस मीडियम से उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है दूसरे मीडियम में, मतलब स्टोरी को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। तो जब हम किसी लोकेशन से कहीं और जाने की बात करते हैं, किसी मूवमेंट की बात करते हैं, किसी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, एक मीडियम से जब कोई चीज़ दूसरे मीडियम में कन्वर्ट होती है, वहाँ पर हम प्रीपोजिशन इनटू का यूज़ करते हैं। और इनटू हमेशा ही एज अ प्रीपोजिशन की तरह सेंटेंस में यूज़ होता है। और जब हम इन का यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी रेस्टिंग पोजीशन के बारे में बताना होता है, जब कोई लोकेशन में कोई चेंज नहीं होता है, मीडियम में कोई चेंज नहीं होता है, तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने प्रीपोजिशन इन और इनटू के डिफरेंस को डिस्कस करा है। आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।